हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएफएससी फिशरीज ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ माय थर्ड पार्ट ऑफ एफआरएम ऑफ चैप्टर टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश. इन लास्ट क्लास, इन पार्ट टू ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश, वी हैव स्टडीड अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर. व्हाई आर नोमेनक्लेचर बीइंग डन, वी हैव स्टडीड ऑल दिस. Now in the third part, we will study about the characteristics of fishes like morphometric character and meristematic character and all. So starting with the topic, now we'll proceed further. यहाँ morphometric character का मतलब है कि fishes को या फिर कोई भी organism को morphometric character और उसके meristematic character के basis पे डिवाइड किया जाता है ताकि उसका डिवीजन आसानी से किया जा सके. बट मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर में उसके लेंथ के बेसिस पे उतने स्पीसीज को क्लासिफाई करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसका वेरिएशन होता है लेंथ के बेसिस पे. मतलब कि जो स्पीसीज फिशेस के स्मॉल हैं उसके और जो फिशेस उसका साइज़ लार्ज है उसके बेसिस पे. तो जो लेंथ है उस सारे को कवर करता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उसके मतलब टैक्सोनॉमिस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर करते हैं सारे लेंथ के ग्रुप के फिशेस में. मतलब सारे लेंथ ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे. तो जो टैक्सोनॉमिस्ट है उनका मतलब मेजर इम्पॉर्टेंस है उसके कलरेशन के बेसिस पे, क्योंकि कलरेशन वैरी करता है. अगर फिशेस डिके हो रहे हैं या फिर उनका बहुत दिन रखने के बाद उन पे बहुत सारे माइक्रोबियल अटैक हो रहे हैं तो उस फिशेस का कलर चेंज होने लगता है. तो उसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होना ज़रूरी है. फिर टू मेन फीचर क्या है क्लासिफिकेशन के लिए, वो है मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर और मेरिस्टमेटिक कैरेक्टर. तो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर और मेरिस्टमेटिक कैरेक्टर है क्या, जिसमें जो फर्स्ट है वो इंडिकेट करता है सारे मॉर्फोलॉजिकल या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर, और जो दूसरा है वो काउंट करता है नंबर को, जैसे कि गिल रेकर्स का कितना नंबर है, फिन फिश में कितने पेक्टोरल फिन है, ये सारे उसके मेरिस्टिक कैरेक्टर हैं. तो आगे की ओर देखते हैं हम. ये है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब किसी भी फिश में एक्सटर्नली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसको ये बताया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि एक फिश है जिसमें कॉडल फिन दिखाया गया है, पेंडंकल दिखाया गया है, लेटरल लाइन जो ये आप बीच का लाइन देख रहे हैं वो है, हम आपको एक बार फिर से डिनोट करके बता रहे हैं, ये उसकी लेटरल लाइन है, ठीक है. फिर ये पेडंकल है, यहाँ पे पेडंकल को बताया गया है. फिर एनल फिन है, वेंट है यहाँ, और ये स्केल्स हैं. स्केल्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं जो कि हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में स्केल्स के टाइप पे बात की जाएगी. फिर यहाँ पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन है, ये फिश का माउथ है, यहाँ आईज को दिखाया गया है. ये ओपरकुलम है, यहाँ ओपरकुलम को बताया गया है. फिर ये स्पाइनी डॉर्सल फिन, सॉफ्ट डॉर्सल फिन को बताया गया है, और कॉडल फिन. तो मतलब किसी भी फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका ऐसे क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिश में वैरी करता है. और मतलब ये पहले से जानना ज़रूरी है कि उसका कौन सा पार्ट किसको डिनोट करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. फिर दूसरे थिंग में हम जाएंगे कि उसका कैसे डिवीजन होता है, तो बॉडी का पार्ट उसको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं. मतलब फिश को पहले डिवाइड करते हैं हम उसके हेड के बेसिस पे. यहाँ उसका हेड हो गया. फिर जो हेड और टेल के बीच का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक. और फिर होता है तीसरा पार्ट उसका डिवीजन, मतलब उसका होता है टेल. तो ये है टेल, तो ये डिवीजन है बॉडी का. उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड में, ट्रंक में और टेल में. तो ये सारे डिवीजन हमेशा एक्सटर्नली प्रेजेंट, मतलब इसको हम लोग एक्सटर्नली डिवाइड किए हैं. फिर उसके यही मॉर्फोलॉजी है, मतलब उसका अभी जैसे हम आपको पहले के स्लाइड में बताया कि ये लेटरल लाइन होता है, उसके बाद पेडंकल है, एनल फिन है, पेल्विक फिन है, यहाँ बार्बल्स है इसके फिश के. फिर यहाँ पे स्नाउट है, ओपरकुलम या गिल कवर जिसको कहते हैं वो है. फिर यहाँ डॉर्सल फिन होते हैं,
तो यार डॉर्सल फिन पैर में है, पेक्टोरल फिन है सिंगल है, एनल फिन है, उसके बाद फिर एडिपोज फिन कहाँ पे है, फिर कॉडल फिन या टेल फिन जिसको कहते हैं। तो ये हुई उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उसके एक्सटर्नल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फिर ये इंटरनल एनाटॉमी ऑफ फिश है, मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे फिश का हार्ट कहाँ पे है, तो ये हार्ट गिल्स के पास में दिख रहा है। फिर यहाँ पे लिवर है, यहाँ गॉल ब्लैडर है, यहाँ पाइलोरिक केकम है, इंटेस्टाइन है फिश के, गोनाड्स हैं, फिर यहाँ एनस है, फिर जेनाइटल ऑरिफिस है, फिर ये यूरिनरी ऑरिफिस है, यहाँ पे किडनी है फिश के, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ये एयर ब्लैडर है यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है फिश का, डॉर्सल एओर्टा है और ईसोफेगस है और ब्रेन है। तो फिश में जैसे मतलब ह्यूमंस है उस तरह फिशेस में भी ऐसे क्लासिफिकेशन किए जाते हैं उसके स्टडीज़ के लिए, मतलब उस पर हम लोग कैसे उसकी स्टडी करें। तो उसके लिए पहले से इंटरनल और उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं उसका स्केलेटन। तो ये फिश का स्केलेटन दिखाया गया है, आप देख सकते हैं फिगर में कि ये एक फिश जो कि डेड है उसका स्केलेटन दिखाया गया है। पेक्टोरल फिन रे है, आप देखिए पेल्विक फिन है, यहाँ रिब्स है जो कि यहाँ पे लेटरल लाइन को दर्शा रहा था, पहले भी हम आपको बताए थे। फिर यहाँ रेडियल कार्टिलेज है, एनल फिन रे है, हेमल स्पाइन है, कॉडल फिन रे है, यहाँ रे ऑफ पोस्टीरियर डॉर्सल फिन, रेडियल कार्टिलेज, रे ऑफ एंटीरियर डॉर्सल फिन है यहाँ पे, ये ऑपरकुलर है उसका, ये स्केलेटन को बता रहा है। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। अब फिश को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो अब आपको पहले भी बताया कि जो फिश है उसका यहाँ पे टेल पार्ट है, उसका ट्रंक होता है और उसका हेड होता है, तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो क्लासिफाई करने का की जब बात आती है तो उसके बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे, उसके माउथ और उसके लोकेशन के बेसिस पे, उसके टेल शेप के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे और उसके स्पेशल अडेप्टेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। मतलब फिशेस को इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, क्योंकि हर फिश एक जैसी नहीं होती, उसमें हर स्पीसीज में अलग अलग माउथ लोकेशन, उसकी साइज़ होते हैं, उसके टेल की शेप अलग होते हैं, कलर्स अलग अलग होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कोई कोल्ड वाटर फिश होते हैं, कोई वार्म वाटर फिश होते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स के बेसिस पे उसका डिवीजन होता है। तो ये जो डिवीजन है वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये चूँकि पार्ट 3 है मेरा, जिसमें कि हम लोग अभी तक मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े और उसके बॉडी पार्ट्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं उसके बारे में पढ़े। अब है लेटरल लाइन, तो हम लोग तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पहले देखेंगे कि लेटरल लाइन क्या है। तो लेटरल लाइन आपको हम पहले भी फिगर में बताए, ये लेटरल लाइन है, ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है फिशेज में, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स में होते हैं, जो कि इसका मेन काम ये होता है कि ये मूवमेंट या वाइब्रेशन सराउंडिंग वाटर, जो भी उस फिश के सराउंडिंग वाटर में होता है, वो फिश को डायरेक्ट उसके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक तरह का ये सेंस ऑर्गन है। तो ये बात हुई फंक्शन की, जो लेटरल लाइन का फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम अंडरलाइन करें, दे डिटेक्ट द मूवमेंट एंड द वाइब्रेशन इन सराउंडिंग वाटर। नाउ द लेटरल लाइन, ये देखिए आप एक फिश में लेटरल लाइन को दिखाया गया है, ये लेटरल लाइन है उस फिशेस की। आगे देखते हैं कि मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टमेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो हम आपको पहले भी बताए कि जो मेरिस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो काउंटेबल ट्रेट हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे गिल रेकर्स या नंबर ऑफ डॉर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है फिशेस में। उस तरह मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स होती है, जो कि साइज, उसके शेप और उसके मेजरेबल ट्रेट पे बेस, मतलब उसका बेसिस है, मतलब उसका स्टैंडर्ड लेंथ, वेट, ये सारे
मास्ट एंगल और रेशियो के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर। तो ये तो हुई डिफरेंसेस ऑफ मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर और मेरिस्टिक कैरेक्टर। तो हम लोग अभी तक देखें कि फिशेस में मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर और मेरिस्टमेटिक कैरेक्टर क्या है, उसको हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उसका लेटरल लाइन क्या होता है। तो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, मतलब हमारे पार्ट फोर में हम लोग देखेंगे कि फिशेस में कैसे मतलब बॉडी पार्ट्स, जो अभी तक हम लोग बॉडी पार्ट्स के नाम देखे थे उसके बारे में हम बताएंगे कि किस बॉडी पार्ट का क्या काम होता है। और फिर दूसरा हम लोग का क्लासिफिकेशन रहेगा कि हम लोग स्केल्स का कितना टाइप होता है, उसके माउथ के बेसिस पे उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो फिशेस में ये सारे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।